राम राम जी सारे देशवासियों ने मेरा प्यार भरा बड़ा ने प्यार भरी प्रणाम, छोटा ने प्यार भरा राम राम। और मैं अंजू मलिक फिर से एक बार अपने हरियाणवी देसी रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जी मैं आज बहुत एक पौष्टिक हेल्दी चीज बनाने वाली हूँ जी, इसका नाम से हरी प्याज, अंग्रेजी में क्या करे जी स्प्रिंग ओनियन, और जिसको सिंधी प्याज भी बोलते हैं बहुत से लोग। और जी बहुत ही पौष्टिक होती है, बहुत ही लाभदायक होती है। तो आज हम इसकी चटपटी बढ़िया सब्जी बनाएंगे, बहुत तरीके से बनती है, इसके पकोड़े बनते हैं, सूप भी बनता है, सलाद के रूप में भी खाई जाती है। लेकिन आज हम बहुत ही बढ़िया सब्जी बनाएंगे इसकी, जो कि बड़ों से लेकर छोटों तक सबके लिए बहुत फायदेमंद है। और जी आओ इसकी सामग्री देख लेते हैं हम। ये मेरे 1 किलो हरी प्याज है, ऊपर का इससे मैंने धो के अलग करके अच्छे से काट काट लिया, बढ़िया डाला धो धा के। और जी ये इसका नीचे वाले प्याज है, ये भी अच्छे से धो के हमने इस तरीके से काट लिया। आपकी मर्जी, आप किसी आकार में काटो, लंबा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। मैंने ये आधे आधे इंच की उसमें काटी है। और जी ये 2 टमाटर हैं छोटे छोटे, होते 3 ले लियो। और जी ये 6-7 लहसुन की कली है, ये काट ली मैंने। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, थोड़ा अदरक ज्यादा टेस्ट अच्छा लगता है इसमें, ये कद्दूकस कर लिया है। 2 हरी मिर्च काट ली मैंने इसी में, 1 आलू लिया है। ये आपकी मर्जी है, आप नहीं भी ले सकते हो, आपको नहीं खाना तो, और ज्यादा भी ले सकते हो, 1-2 और डाल सकते हैं, ऑप्शनल है जी। और जी ये 1 चम्मच तेल है। और जी यो 1 चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग छोंक के लिए, और 2 सूखी लाल मिर्च, ये भी मर्जी है, आप डालना चाहो तो डाल लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और जी 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, आप तीखा ज्यादा पसंद करते हो तो डालिए, वरना हरी मिर्च में काम चल जाएगा। और जी एक या आधा चम्मच गरम मसाला, घर का पिसा हुआ अपना, आपकी इच्छा, आप खाते हो तो डालो, वरना कोई दिक्कत नहीं। स्वाद अनुसार नमक, नून जी इस बिना एनर्जी कितना होगी। और जी आओ अब शुरू करते हैं इसको बनाना। ये हमने मेरी कढ़ाई रख ली है, अब हम गैस ऑन कर लेंगे। और जी हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, ये मैं अपना 1 चम्मच जो तेल है इसके अंदर डाल दूंगी। और आपकी इच्छा, आप ओलिव ऑयल में भी बना सकते हो, रिफाइंड में भी बना सकते हो। देख सकते हो आप हमारा तेल बढ़िया डाल गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें चुटकी भर नमक ये डाल देंगे। अब इसको बिल्कुल मंदा कर देंगे गैस को जी, बिल्कुल लो, ताकि जो हमारे मसाले जलेंगे नहीं। तो हम थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, और फिर हम इसमें अपना जीरा, हींग और लाल मिर्च डालेंगे। और जी ये हो चुका है हमारा, और अब हम इसमें ये डाल देंगे अपने जीरा और हींग। जीरा चटक गया, अब ये अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे, और कुछ देर के लिए अभी इसे हम पकाएंगे जी, हल्का सा रंग बदल जाए जी लहसुन का, और बढ़िया खुशबू आने तक जी, जड़ाला नहीं है, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। और ये जो हमारी हरी प्याज है ना, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है, जो कि हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत बढ़िया रहता है जी। साथ में ये हमारी लाल मिर्च डाल देंगे हम। ये देखिए अभी हमारे, देख सकते हो आप, ये लहसुन एकदम सही हो चुका है, इससे ज्यादा पकाना नहीं है हमें, नहीं तो खराब टेस्ट आऊंगा जी। इवा सूखे मसाले डाल देंगे हम, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च। अब हम इसे 1-2 मिनट के लिए धीमी आंच से बिल्कुल खुशबू आने तक हम भून लेंगे अपने मसालों को, ताकि अच्छे से भुन जाए, अच्छी भुनाई पे ही सारी सब्जी का जी स्वाद होता है। ये देखिए हमारी, बल्कि होने वाली है 1-2 सेकंड, और हमारा मसाला देखो कितना सुंदर दिख रहा है, कितना पिस्ता लगस है, काफी बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे ये हमारे 2 कटे हुए बड़े बड़े साइज के टमाटर, छोटे हो 3 ले लियो, और जिस हिसाब से आप सामग्री ले रहे हो उस हिसाब से लीजिए। अभी आधा किलो अगर बना रहे हो तो इसमें 1 बड़ा टमाटर काफी है। ये हमारे हमने टमाटर डाल दिए, अब हम इसमें साथ साथ डाल देंगे अपना स्वाद अनुसार नमक, ताकि टमाटर जल्दी अच्छे से गल जाए। अब हम इसको, जब तक हमारा मसाला, टमाटर नरम नहीं हो जाए और मसाला कढ़ाई में झूमे नहीं, जब तक हम इसको पकाएंगे 5 से 6 मिनट धीमी आंच पे। और ये देखिए जी 4.5 मिनट हो गए हैं बस, और हमारा मसाला एकदम भून रहा है, बस 8 मिनट और। और जी टमाटर के ऊपर भी होता है, अगर टाइट टमाटर होता तो 6 मिनट लगते हैं, वरना बढ़िया वाला टमाटर होता तो 4.5 मिनट में, 5 मिनट में बढ़िया तैयार हो जाता है हमारा मसाला। और जब तक हम मसाले को बढ़िया ढाल भूलेंगे नहीं, तो सब्जी में स्वाद कितना होगा जी। तो इसलिए कटी बढ़िया ढाल और दिल से बनाइए, और खूब बढ़िया बनाइए। ये हमारा मसाला एकदम झूम रहा है, ये देखिए। और आपकी इच्छा, आप टमाटर बिगर भी बना सकते हो इसको, और जो मेरे भाण भाई लहसुन नहीं खाते वो मत डालो जी, कोई दिक्कत नहीं है। टमाटर के जगह आमचूर डाल सकते हो, तब भी जो ताजी टमाटर का मसाला बनाया नहरा स्वाद होता है।
एवं इसमें अपने ये आधी मिनट होते ही देखो चारों तरफ तेल दिख रहा है और कुछ सेकंड और हमारा मसाला एकदम रेडी से। और जी हमारा मसाला कटी एकदम तैयार से, इव हम 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, एक बार इसको हिलाएंगे और अपना ये जो है अब इसमें मैं अपना ये जो मेरा गरम मसाला है अब डालूंगी। बहुत से लोग बाद में डालते हैं, आप जैसे डाल दो वैसे डालिए, लेकिन ऐसे डालने में अलग ही स्वाद आता है। ये मैंने हटा दिया है जी, अब इसमें मेरी जो हरी प्याज है, और जी हमारी हरी प्याज होती है स्प्रिंग ओनियन होते हैं ना, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी विटामिन के जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। तो जिनके बच्चों की भाई बालक छोटे छोटे बालक की हड्डियां कमजोर होना की आजकल है, जो बड्डे बुड्ढे उनके तो हो जाता है, तो उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है ये। तो भरपूर मात्रा में खिलाइए, हरी प्याज बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही लाभदायक है, और इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर भी होता है जी, जिससे जिन बहन भाइयों को बीपी है उनके लिए फायदा करेगा और जो हृदय के रोग है उनमें भी बहुत फायदा करेगा। अब हम इसको चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे नीचे तक, ये मैंने हिला दिया है, और इस साथ में मेरा जो आलू मैंने काट लिया है अभी, पहले नहीं काटा नहीं तो काला पड़ जाता जी, और ये अब मैंने इसको अच्छे से मिला दूंगी मैं नीचे तक। और जी इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, इसमें कुदरती बहुत ही हो जाएगा जी, और खूब बढ़िया बनेगी। जिसने आप हरे प्याज की भुजी कह लो, हरे प्याज की तरकारी कह लो, हरे प्याज की सब्जी कह लो, कुछ कह लो जी, अपनी अपनी भाषा में नहरे नहरे नाम। और जी ये जो हरी प्याज है ना हमारी कुदरती एक औषधि के तौर पर मानी जाती है, बहुत ही बढ़िया रहती है, इससे जो पेट का कैंसर है ना वो भी नहीं होता, बहुत बढ़िया रहता है पेट के लिए भी, और जो हमारी रोग क्षमता बढ़ाती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया। क्या रंगत आ गई है जी, देख सकते हो कितनी कसूती लाकर लग रही है। इब हम इसमें ढक के 8 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे और हमारी हरी प्याज तैयार है। इस तरीके से हम ढक देंगे और अब इसको हम 4 मिनट के बाद एक बार हिलाएंगे और इसको पकने देंगे आराम से धीमी आंच पर। ये हमारी 4 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए, देखो मैंने कहा था ना अपने आप पानी छोड़ देती है, और इसी पानी में पकने से बहुत ही स्वादिष्ट बनती है हमारी हरी प्याज। ये देखिए बस होने वाली है, आप चाहे तो इसको कुकर में भी बना सकते हो, और भाई जिसमें तरीदार लच्छेदार पसंद हो वो उसमें आधा कप पानी डाल दियो वो लच्छेदार हो जाएगी जी, पर ऐसे सूखी ही का अलग मजा है इसका। और जी ये हमारी 7-8 मिनट पूरी हो चुकी है मेरे प्यारे बहन भाइयों, अरे हमारी सब्जी एकदम बन का बढ़िया था तैयार है, ये देख सकते हो आप केक कसूती लगन लग रही है। हाँ 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 ये अंग्रेजी में कहा करें गोजस, अजी मारी हरियाणा इनका लेकर ती कसूती दिखन लग रही है, रोग काट दिया कति, जब बहुत बढ़िया चीज बनाया ना तो हमारे यहाँ कहते हैं रोग काट दिया कति। और देख सकते हो आप ये आलू भी हमारे नरम हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए और ये खूब बढ़िया। अगर आपको लग रहा है गीली गीली है ज्यादा थोड़ा पानी है, तो अब इसको हम 2 मिनट बगैर ढके हुए पकाएंगे हम इसको, ताकि पानी सारा उड़ जाए। अरे भाई किसी किसी ने ऐसी अच्छी लगे तो ऐसे ही रख लो, बहुत ही टेस्टी है पौष्टिक है। मैं इसको 1 मिनट और पकाऊंगी थोड़ा ताकि और सूख जाए, और ये हमारी हरी प्याज की सब्जी भुजी कुछ कह लो एकदम बढ़िया डाल जा रही है, देखिए कितनी कसूती लगन लग रही है, मुंह में पानी आ गया मेरा तकती। अरे मैं 1 मिनट और पका रही हूँ, और मेरे प्यारे बहन भाइयों ये हमारी एकदम बढ़िया डाल तैयार है हरे प्याज की सब्जी, और आप देख सकते हो कितने कसूती लगन लग रही है। आप भी बनाइए खाइए जी, दिल से बनाइए, और जो मेरे अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर दियो जी, और लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए जी, और जी बताइए कैसा लगा, अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जी जय राम जी की सारे प्यारे बहन भाइयों ने मेरे